टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना सबसे बड़ा 328 रन का टारगेट चेस किया और चौथा टेस्ट जीतकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। इससे पहले भारत ने 2003 के एडिलेड टेस्ट में 233 रन का सबसे बड़ा टारगेट चेस किया था। ऋषभ पंत ने 89 रन की नबाद पारी खेलकर टीम को मैच जिताया। पहली पारी में उन्होंने 23 रन की पारी खेली थी, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ब्रिस्बेन टेस्ट में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज दोनों पारी में 6 विकेट लिए। दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट लिए थे, जो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने टीम इंडिया के लिए 5 करोड़ रुपए के बोनस की घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में जीत से हम सभी बेहद खुश हैं। खिलाड़ियों की विशेष ऊर्जा और जुनून पूरे समय नजर आया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, साहस और संकल्प दिखाया। टीम को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मेजबान ऑस्ट्रेलिया 32 साल बाद ब्रिस्बेन में पहली बार टेस्ट हारी है। पहली बार ब्रिस्बेन में नवंबर 1988 में वेस्टइंडीज ने उसे 9 विकेट से हराया था। 1988 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में 31 टेस्ट खेले थे, जिसमें से 24 टेस्ट और 7 ड्रॉ रहे। गाबा में पहली बार किसी टीम ने 300 प्लस रन का टारगेट चेस किया है। इससे पहले यहां ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 1951 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ा 236 रन का टारगेट चेस किया था। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर पहला टेस्ट जीता है। ऋषभ पंत 89 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को मैच जिताया। साथ ही वे सबसे कम टेस्ट पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया। पंत ने 27 पारी में उपलब्धि हासिल की, जबकि धोनी ने 32 पारी खेली थी। शुभमन चौथी पारी में 50 लगाने वाले सबसे युवा भारतीय ओपनर बन गए। उन्होंने पूर्व भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर का 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिलहाल शुभमन की उम्र 21 साल और 133 दिन है। वहीं गावस्कर ने 21 साल और 243 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। पूर्व लेजेंड ने 1970 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए टेस्ट में 50 लगाई थी।